ये आज आपको बहुत सारे फ्रेंड बार बार आज बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मैंने अपना डॉग बाहर भेजना है, वो चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, या कह लो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंटल हो, तो उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो एक डॉग की आपके साथ थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन शेयर करते हैं, ठीक है जी। केज किस तरह का, ब्रीड के हिसाब से वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ देते हैं। बहुत सारी लाइव हो गया यूट्यूब पर, बिल्कुल लाइव है सर। ठीक है, तो इस तरह का कुछ केज होता है ब्रीड के हिसाब से, इसको आप एयरपोर्ट केज बोल लो, ये अच्छा हैंडल करने के लिए। बड़ी ब्रीड इसमें छोटी से लेकर छोटा साइज मिल जाता है, बड़े से बड़ा, लेकिन बड़ा इसमें आप बिलीव करोगे ग्रेडन या जर्मन शेफर्ड, अमेरिकन बुली, सभी इसी तरह के केज में आते हैं। अगर आप कार्गो में अपना डॉग को लाना चाहते हो, कार्गो मीनिंग यहाँ पर आप बैग वगैरह अपने रखते हो वहां, लेकिन अगर इन कैबिन है तो उसके लिए भी इस तरह का आ जाता है साइज, लेकिन उसकी डायमेंशन अलग होती है। तो अभी आपका थोड़ा बैठ कर बातें करते हैं, तो साइड में रखते हैं। तो आपके साथ पहले तो एक बात शेयर कर लें फ्रेंड, दो तरीके से डॉग आप अब्रोड लेकर जा सकते हो, एक किसी पर्सन के साथ, वो चाहे आप खुद मालिक हो या आपके घर का कोई सदस्य हो जिसको डॉग जानता हो, कॉपरेट करता हो, क्योंकि कभी कभी एयरपोर्ट में ऐसी कुछ बातें ना हो जाएं जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो पहचान वाले के साथ डॉग जाया जा सकता है। दूसरी बात है, और एक होता है अगर कोई पर्सन नहीं आपके साथ जा रहा तो आपको डॉग भेजना है, वो फिर सोलो डॉग कह लो या फिर वो डॉग कह लो कि जाएगा कार्गो में, आप वहाँ, वो थोड़ा महंगा खर्चे में वो महंगा है। इतना हो सके कोशिश कीजिए माय फ्रेंड कि आपका कोई ना कोई पर्सन, कोई रिलेटिव घर में, अगर आप खुद हो तो मच बेटर। तो वो है, तो जरूरत पहले क्या है, देखो दो तरीके, अभी मैंने बात किया कि इन कैबिन और कार्गो, ठीक है, दो तरीके का ट्रेवल करिए, साथ में पर्सन जाएगा या विदाउट, मच बेटर साथ में हो, इन कैबिन हो, सस्ता पड़ेगा। कैबिन में क्या रहता है, उसमें आपको एक जैसे आपका ब्रीफ केस होता है ना, इस तरह का बैग अलग से होते हैं। मैं बहुत कोशिश की आपको दिखा पाऊं लेकिन सॉरी मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया। उसमें फिर जहां पर बैठते हुआ, जो मेरे फ्रेंड ऑलरेडी फ्लाइट में बैठे हैं या देखा है फिल्मों में कहीं भी, तो जो आगे वाली सीट होती है उसके नीचे जो जगह होती है, जो हमेशा आपका स्ट्रेस के लिए होती है, सीट आपकी खुलती है वहां जगह होती है, काफी जगह होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 फीट से अधिक ऑलमोस्ट जगह होती है, 2.5 फीट, उसकी हाइट भी अच्छी होती है। तो उस तरह का आप केस ब्रीड के, क्योंकि अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग रूल्स हैं, मैं इकोनॉमी क्लास की बात कर रहा हूं, अगर फर्स्ट क्लास है तो वहां क्या, तो काफी बड़ा एरिया होता है, तो वो चीज अलग होती है इकोनॉमी क्लास में। उस दूसरे वाला फ्रंट वाला जो बंदा आपका बैठा है उसकी सीट के नीचे जो जगह होती है उससे से हिसाब से डायमेंशन हो जाती है। और अभी एक और बात, किस कंट्री में लेकर जाना चाहते हो, पहले तो वो कंट्री चेक कीजिए कि वो कंट्री रेबिस फ्री है या नहीं है। देखो अभी कनाडा डॉग लेकर जाना चाहते हो तो आप वहां रेबिस फ्री नहीं है, ज्यादा आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यूरोपियन या अमेरिकन, अमेरिका में कुछ कंट्री है अमेरिकन कॉन्टिनेंटल में रेबिस फ्री है और कुछ नहीं है, तो यहां पर थोड़ा है, ये जरूर है एक जगह डॉग का नॉर्मल यहाँ का जो वैक्सीनेशन है वो एक्सेप्टेबल है। एक बात हमेशा जरूर ध्यान रखिए, जिस भी कंट्री आप डॉग लेकर जाना चाहो उस कंट्री में क्या, कौन सी इंडिया में वैक्सीनेशन अवेलेबल है, क्या वो वहां एक्सेप्ट करते हैं वो, ये जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बात बताऊं, जैसे हमारी जो कोरोना वैक्सीन थी उसको पहले कुछ कंट्रियां मान्यता नहीं देती थी, लेकिन बाद में वो मान्यता देने लग गई, ठीक है जी। इसी तरह डॉग की भी जो वैक्सीनेशन लगती है उसमें कौन सी कंट्री में, कौन सी इंडिया में अवेलेबल वैक्सीनेशन एक्सेप्टेबल है वो जरूर ध्यान देखिए, नहीं तो आपको वहां जाकर बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और सबसे पहले क्या होता है, यहां पर आप वो वैक्सीन लगाइए, उसके साथ उसका प्रीवियस रिकॉर्ड है, एक एज बता दूं, मोर देन 3 मंथ या मोर देन 6 मंथ का बच्चा ही ट्रेवल कर सकता है, ब्रीड के हिसाब से है, यहां पर भी मीडियम और स्मॉल ब्रीड के अलग अलग क्राइटेरिया है। एयरलाइन कौन सी चूज करोगे, आजकल कोविड के सिलसिले में जो डायरेक्ट एयरलाइन जाती है वही पप्पी को एक्सेप्ट करती है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो एयर कैनेडा और या फिर एयर इंडिया, ये इंडिया से डायरेक्ट न्यू दिल्ली से टोरंटो या वैनकूवर जहां भी आपका पहुंचना है वहां तक अवेलेबल पहुंचती है डायरेक्ट, अगर आपका कहीं भी स्टॉप ओवर होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां से यूरोप जाना है तो डायरेक्ट एयरलाइन है, यहां से ऑस्ट्रेलिया जाना है, लेकिन यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये कंट्रियों के रूल काफी टफ हैं, टर्टर टेस्ट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए फिर आपको कम से कम 1-1.5 महीना पहले ही अपने नजदीकी टच में रहना पड़ता है वैक्सीनेशन, क्योंकि
वो डॉक्टर साहब सभी कुछ करते हैं, ब्लड निकालना पड़ता है, ब्लड से सीरम निकालनी पड़ती है, फिर वो टेस्ट करने के लिए भेजना पड़ता है क्या डॉग में क्या क्या बीमारियां क्या क्या नहीं है, फिर वो सारी चीजों को मिलाकर अगर वो ओके रिपोर्ट आती है तो इस पूरे प्रोसेस में एक डेढ़ महीना लग जाता है, तो उसके बाद आपका डॉग फ्लाई कर सकता है। कैनेडा अलग है, वहां आपका एक जो सिंपल गाइडलाइन है, क्योंकि रेबीज फ्री कंट्री नहीं है, वैक्सीनेशन लगना चाहिए जो वहां की एक्सेप्टेबल है, रेबीज लगना चाहिए जो वहां का एक्सेप्टेबल है। पिछले पहले तो कोरोना वैक्सीनेशन की जरूरत थी, अभी कुछ डॉग में कोरोना वैक्सीनेशन कुछ कंट्रियों में जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कंट्रियों में किसी को डॉग को कोरोना हुआ ही नहीं है। ये मैं बात डॉग की नहीं कर रहा, कैट की भी कर रहा हूँ। तो आपको वहां यहां से डॉक्टर साहब जहां भी हैं, जो ऑथोराइज हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, उनके साथ वैक्सीनेशन करवाइए। चाहे पहले आप कहीं और भी वैक्सीनेशन करवाते हो, अगर लास्ट वाले जो वैक्सीनेशन है उनके पास करवा लोगे तो भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद, आप जानते हैं एक वैक्सीनेशन दूसरे वैक्सीनेशन के अंदर 20 दिन का गैप होता है, तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपको डॉक्टर साहब अपना कार्ड बनाकर देंगे। वो कार्ड में इसका प्रॉपर कौन सा वैक्सीनेशन है, कब लगता लगया है, और इसकी डिवॉर्मिंग कब हुई है, कौन कौन सा वैक्सीनेशन है, ये सारे वैक्सीनेशन डेट के साथ स्टैंप के साथ आपको एक साथ में रखना है। ये होगा आपका न्यू कार्ड, तो डॉक्टर साहब भी बनाएंगे। लेकिन इसका लास्ट ईयर का या उससे पहले का, अगर इसकी उम्र 2 साल से अधिक है तो कम से कम 2 साल का रिकॉर्ड आप जरूर अपने साथ रखिए। ये बात होगी एक। उसके बाद जो भी आपका डॉगी है उसकी 2-4 इस तरह की फोटो जरूर करवा कर रखना, क्योंकि ये बाद में आपको कभी कभी मौके पर काम वो मांग लेते हैं कभी यहाँ के डॉक्टर साहब, या फिर जो दिल्ली में कहते हैं वो आपको जरूरत पड़ेगी। तो इस ये फोटो में फिर नीचे वो उसका सारा डेटा, नाम, एड्रेस, मालिक कौन साथ में जाएगा, और गवर्नमेंट फिर ऑथोराइज यहाँ पर स्टैम्प करेंगे, फिर वो साइन करेंगे। तो इस तरह की फोटो आपको साथ में अपने डॉग की 2-4 पहले ही रख लो, ठीक है जी। इसके साथ में आपको और पहले बात करूं, ये हैं यहाँ के डॉक्टर साहब के कह लो कि माइक्रोचिप। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डॉग की माइक्रोचिप होनी चाहिए, जो कम से कम वैक्सीनेशन से 1 महीना पहले लगा हुआ, क्योंकि नहीं तो टर्टर टेस्ट में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो ये माइक्रोचिप, ये हमारी कंपनी की माइक्रोचिप है बोला शोला की, तो माइक्रोचिप में उसका पूरा वो डॉक्टर साहब स्कैन भी करते हैं, वो फिर अपना जब पूरा सर्टिफिकेट बनाएंगे कौन सा माइक्रो ब्रीड है, कौन सा माइक्रोचिप है, क्या नंबर है, वो सभी लिखते हैं। ये इस तरह का एक आपको पेपर मिलेगा जो यहाँ के डॉक्टर साहब के पहले आपको मिलेगा। उसके बाद फिर वो रेबिस का इंजेक्शन कब लगा, उसकी पूरी डिटेल होगी, रेबिस कौन सी कंपनी का लगा, कब लगा कब तक वैलिड है। इसी तरह का एक और आपको यहाँ के डॉक्टर साहब पेपर इशू करेंगे, जो कि होगा DHPPI, जो हम जिसको सिंपल भाषा में 7-in-1 ऐसे तरह के पेपर बोल देते हैं, वो आपको करेंगे। उसमें DHPPI कौन सी कंपनी का कब लगा, ये सब चीजें। उसके बाद एक यहाँ का डॉग का हेल्थ कह लो कि हेल्थ फिट टू ट्रेवल का सर्टिफिकेट, अगर NOC आपको सिंपल भाषा में बोल दो कि हाँ ये डॉगी फिट है और ये ट्रेवल कर सकता है। ये आपको 3-4 ऐसे पेपर साथ में लेकर डॉक्टर साहब के पास, ये लगभग 4-5 पेपर ऐसे हो जाते हैं, वो आपको तैयार कर लेकर जाने पड़ेंगे न्यू दिल्ली। वो कहाँ, उसका एड्रेस यहाँ पर है बताया गया, या एनिमल हस्बेंड्री ड्यूरिंग द लोकेशन क्या है लिखी हुई, फरीदाबाद है सर, फरीदाबाद में, यस, क्योंकि उनका ऑफिस कहीं, हम गए तो थे सर फरीदाबाद। हाँ नहीं, ये उनका ऑफिस अभी और कहीं खुल गया है, मैं उससे पहले आपको बता दूं। तो ये पेपर कापासेरा न्यू दिल्ली में है सर, कापासेरा न्यू दिल्ली, कापासेरा सॉरी। उसके बाद जो ऑनर जो साथ में जा रहा है, जिसके नाम से जो डॉक्टर साहब से शुरू से ही उसका बोलेंगे कौन उसको साथ लेकर जा रहा है या उसका ऑनर कौन है, उसका वीजा, ये कैनेडा का वीजा है, ठीक है जी। और फर्स्ट और बैक साइड की पासपोर्ट की फोटो, वो बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें हाथ में लेकर और आपको जाना है क्या बोलेंगे, कापासेरा न्यू दिल्ली। बाकी आपको हमारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो सबसे मेन है ये गवर्नमेंट का कह लो लेटर, NOC कह लो या फिट टू ट्रेवल सर्टिफिकेट कह लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बिना चाहे आपके पास जितने मर्जी ये पेपर हो, आपका डॉग ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइन है कि यहाँ पर आपको फिर वही सब चीजें मेंशन है कि कौन सी माइक्रोचिप है, कौन सी ब्रीड है, कब तक है। और ये अगर आपको एक बार मिल जाए तो ये 10 दिन के लिए वैलिड रहता है, ये बात जरूर याद रखिए। ये पेपर हो सकता है 3 महीने के लिए वैलिड हो, डॉक्टर साहब के हिसाब से दोबारा भी आप बना सकते, कोई इजी नहीं है।
हार्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत हार्ड है दोबारा हासिल कर पाना, और ये सबसे मेन की ये है। तो ये आप देखते हो हमारा अशोक चक्र, ये चीज बहुत जो मिलने वाली है। ये वैसे अगर आप प्रॉपर डॉग का पुराना कार्ड, उसकी फोटो, और बाद में आप ये सॉकून डॉग सभी, वैसे मैंने बोला DHPPI वैक्सीनेशन साथ में सब सर्टिफिकेट कर लेकर माइक्रोचिप वहां जाओगे तो इजी ये फाइल एक ऐसी बनती है तो इजी आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज लेफ्ट मिसिंग है तो फिर कभी कभी आप मान लीजिए ऐसे यहां से दिल्ली लगभग 350-400 किलोमीटर दूर है तो आपको फिर कोई चीज छूट गई, फिर वापस आइए, फिर जाइए। और हाँ, इसके साथ साथ एक चीज मैं यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा आपको, डॉग का जो टिकट है, मान लो जब आप किसी भी एयरलाइन में जब आप उसको इन कैबिन एयर कैनेडा हो गया, KLM हो गया, तो उसका कंट्री का वो जो टिकट है वो आपको ऑनलाइन हार्ड कॉपी साथ में लेकर जानी पड़ेगी, एज ए इंश्योरेंस दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा एयरलाइन ने बुक कर रखा है, इसका बुकिंग नंबर या जो भी है वो साथ में टिकट स्क्रीन शॉट की मैं कहूँ जो भी डॉग है उसकी साथ में आपको दिखानी पड़ेगी, फिर जाकर ये मेन सबसे बड़ा पेपर आपको मिलता है। तो एक और बात, लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि जिस भी एयरलाइन से चाहे दो बार, तीन बार, चार बार आपकी बात हो गई हो, एक बार और कंफर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऑनलाइन कोई और बात करता है, जब आप ऑन ग्राउंड एयरपोर्ट पर जाते हो वहां पर जाकर कुछ और हो जाता है, उन केसेस में बहुत सारे डॉग इंडिया में रह जाते हैं। तो आपको बी श्योर कस्टमर केयर में 3-4 बार बातें कीजिए, पूरा इन नॉलेज लीजिए कि भाई क्या पेपर चाहिए आपको, और भी कुछ बनाना है, क्योंकि ये मैं आपको कनाडा के हिसाब से बता रहा हूँ, इंग्लैंड का या यूरोपियन कंट्री का या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका का थोड़ा सा पचीदा है इससे, उसके बारे में आपको बाद में एक और वीडियो देंगे हम। तो आज का लाइव शो क्योंकि बार बार लोग पूछ रहे हैं। हाँ, लेकिन कार्गो अगर आप कार्गो में लेकर जाना चाहो, जब इंडिया में गर्मी का समय होता है ना, मान लीजिए जुलाई से लेकर अक्टूबर तक कार्गो कुछ कंट्रियों के लिए बंद हो जाता है, सारी कंट्रियों के लिए नहीं, कुछ कंट्रियों के लिए, क्योंकि 5-7 घंटे का ट्रैवल डॉग के लिए इजी होता है ब्रीड के हिसाब से। लेकिन अगर इससे ज्यादा, जैसे कनाडा का ट्रैवल बहुत बड़ा है, अमेरिका का ट्रैवल यहाँ से बहुत ज्यादा समय लगता है जाने के लिए, तो वो चीजें फिर कुछ महीनों के लिए बंद होती हैं, ये जरूर आप उस एयरलाइन से पूछिए। बाकी अगर साथ में कोई पर्सन जा रहा है, इन कैबिन जा रहा है, तब कोई परेशानी वाली बात नहीं, इन कैबिन आप लेकर जा सकते हो। लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगा, ग्राउंड रियलिटी कभी कभी कुछ अलग होती है, और मैं नहीं चाहता कि आप एयरपोर्ट पर जाकर कभी भी परेशान हो, या आप बहुत मुश्किल से इनका प्यार मिलता है पेट्स का, और सडनली कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले कि आप लेकर नहीं जा सकते, तो उस पैसेंजर या डॉग लवर पर क्या बीतती है, मैं ये समझ सकता हूँ।